हेलो इंजीनियर। सो गाइज, आर आर बी जेई के एग्जामिनेशन करीब हैं, क्यों ना हम एक बार पूरे के पूरे आईएएस कोड का रिवीजन कर लें कि कौन कौन से आईएएस कोड और किस काम में आते हैं वो कोड। ये आपसे अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, उन सभी को जिनको आर आर बी जेई का एग्जामिनेशन देना है, उन सभी को ये सारी छोटी छोटी प्रिपरेशन या छोटे छोटे अपने पॉइंट्स जो हैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में उन चीज़ों के लिए जद्दोजहद या फिर परेशान होना ना पड़े। तो राइट, तो आईएएस कोड का डिस्कशन करते हैं, फटाफट चलते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूंगा कि बहुत सारी वैकेंसीज वन बाय वन करके आ रही हैं, जिसमें से एक शानदार वैकेंसी रेलवे के भी है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के भी पोस्ट निकाले गए हैं, राजस्थान में भी निकाले गए हैं, और इसके साथ साथ में बिहार में भी आपने देखा था, और भी पोस्ट आ रहे हैं। उन सभी पोस्ट के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को एक ही बैच से कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग महापैक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, अपनी ब्रांच के हिसाब से। टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं। आरआरबी जेई की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट कोड दिख रहा है, मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको सबसे कम प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको दिए जा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे, और उसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि आरआरबी के सीबीटी वन की बुक भी अवेलेबल है, अपने एड्रेस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, आपको सारे के सारे कोड जो हैं ऑर्डर में ही मैंने कोशिश करा है कि नंबरिंग जो है वो आपका छोटे नंबर्स जो हैं स्टार्टिंग में रखे हैं, जो बड़े नंबर्स हैं उनको बाद में रखा है, जिससे कि आपका माइंडसेट जो होता है ना, साइकोलॉजी होती है, वो उस तरीके से वर्क करती है कि हाँ, ये छोटे छोटे कोड्स तीन तीन डिजिट वाले हैं, इनको पहले याद कर लेते हैं। इस तरीके से ही अरेंज किया हुआ है। कुछ आप अच्छे से जानते हैं, कुछ आप कन्फ्यूज़ होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, वो सारे कोड यहाँ पे मैंशनड हैं। 650 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग सीमेंट, सीमेंट में यूज़ होने वाला स्टैंडर्ड सैंड की टेस्टिंग के लिए। 516 बहुत बार पूछा गया है। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 457, IS 457। देखो, 456 तो हम लोग पढ़ते हैं, 457 अगर पूछ लिया जाए किसके लिए है, तो याद रखना कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट फॉर डैम एंड अदर मैसिव स्ट्रक्चर। ये किसके लिए है? मैसिव स्ट्रक्चर के लिए। और 456 किसके लिए? प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिंपल, ठीक है? तो ये दोनों याद रखना। 455 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। IS 383 स्पेसिफिकेशन किसके लिए? कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ। इसमें से कुछ कुछ आप नोट कर सकते हो, और इसकी PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इससे रिविज़न करना आसान रहे। 269 स्पेसिफिकेशन फॉर OPC 33 ग्रेड के लिए। 1344 स्पेसिफिकेशन फॉर कैल्सिंड क्ले पोजलोना, जिसका कैल्सिनेशन हो चुका हो। और IS 1343 किसके लिए है? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए। देखो, बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत आसपास में ही नंबर हैं 4443, लेकिन ये कैल्सिंड क्ले पोजलोना के लिए, और ये प्रैक्टिस किसके लिए? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीटिंग के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, 1199 मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट, सैम्पलिंग कैसे होती है कॉन्क्रीट में, उसके लिए है। अगला देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, IS 1489। इसमें भी पार्ट वन पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है, पार्ट वन फ्लाई एश बेस्ड है, पार्ट टू किसके लिए है? पार्ट टू है स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट कैल्सेंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, कैल्सेंड क्ले बेस्ड, यहाँ पे फ्लाई एश बेस्ड था। 1727 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ पोजोलोना मटेरियल, पोजोलोनिक मटेरियल की टेस्टिंग के लिए। 2386 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट, पार्ट वन किसके लिए? पार्टिकल साइज एंड शेप के लिए। 2386 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट, पार्ट टू एस्टिमेशन ऑफ डिलेट्रस मटीरियल एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। देखो, पूरा का पूरा इसमें मैंशनड है सारी चीज़ें, आपको कोड और उसका ईयर उधर मैंशनड है, किस काम में यूज़ होता है। इसके रिविज़न आप तीन चार बार जब तक नहीं करोगे ना, आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी, बहुत सारी चीज़ों को एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिलेट करके थोड़ा बहुत देखे रहोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, इसके पार्ट वन पार्ट टू इस चीज़ से रिलेटेड थे, ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे अब देखो, इसके कितने पार्ट हैं? 3 4 5 6 6 पार्ट हैं, और सारे के सारे यहाँ पे मैंशनड हैं। 7 8 यहाँ पे मैंशनड है, मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ कॉन्क्रीट पार्ट 8। यहाँ पे देखो, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा जाएगा सारे के सारे, बस आपको इस तरीके से लिख दिया जाएगा IS 2386 तो मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, ऑप्शन में यही मेंशन होगा, आप टिक लगा दोगे।
लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि एग्रीगेट की टेस्टिंग है, सैंड की टेस्टिंग है, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी। 3085 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट, है ना, सीमेंट मोटार और कंक्रीट की परमेबिलिटी के लिए। 2770 बॉन्ड रेनफोर्समेंट पार्ट वन पुल्ड आउट टेस्ट। 2645 इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग। इसी तरीके से 2502 बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स ऑफ कंक्रीट। 2430 मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट। 3370 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड पार्ट वन, इसका जनरल रिक्वायरमेंट। इसका पार्ट टू रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। पार्ट थ्री यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। पार्ट फोर किसके लिए? डिज़ाइन टेबल्स। देखो यहाँ पे ना इस तरीके से सारे ऑर्डर में ही मेंशन है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जितने भी होंगे एग्जामिनेशन तो दे ही रहे होंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे कोड कितने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डलवा दूंगा, वहाँ से आपको क्या करना है, अपने अडा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से जाके इन PDF को ले लेना है, ठीक है। फ्री में अवेलेबल होगा कम्युनिटी ऑप्शन में, मैं बता दूंगा कैसे। कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ यूज़ ऑफ इमर्जन वाइब्रेटर फॉर दी कंसोलिडेशन कंक्रीट कंसोलिडेटेड कंक्रीट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ IS 3812 स्पेसिफिकेशन फॉर पल्वराइज फ्लूएस पार्ट वन, इसका किसके लिए होता है? यूज एज ए पोजोलोनाइन सीमेंट। आगे बढ़ते हैं इसका पार्ट टू, फिर उसके बाद 4031 मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, इसका पार्ट टू है, देख लेना। यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेस बाय ड्राई सीविंग और यहाँ पे फाइनेस बाय स्पेसिफिक सरफेस बाय ब्लेनियर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। IS 4031 इसके पार्ट्स हैं सारे के सारे, 8th पार्ट यहाँ तक देख लिए, 10th 11th 12th सारे के सारे पार्ट हैं, 14 15 15, और उसके बाद यहाँ पे आता है IS 4854 डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हाइड्रोलिक सीमेंट, हाइड्रोलिक सीमेंट से रिलेटेड। उसके बाद 4634 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर, और यहाँ पे 4305 यहाँ पे ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू पोजोलोना। इस तरीके से ना बहुत सारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कोड्स मेंशन्ड हैं। आप सोच रहे होगे कि सर सारे के सारे इतने सारे कोड यहाँ पे, सारे के सारे तो नहीं याद कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन जो पार्ट वाले हैं उनमें से किसी एक को हाईलाइट करके आप पढ़ लेना कि किसकी टेस्टिंग है। मूलभूत टेस्टिंग आपको पता चल जाएगी तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे उसको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद करना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें पार्ट वन टू तो ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? IS 6461 किसके लिए? ग्लॉसरी ऑफ टर्म रिलेटेड टू सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। अब इतना याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। 12 पार्ट हैं इसके, देख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन। IS 8041 8125 8042 स्पेसिफिकेशन ऑफ वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो वो सारे की सारी चीज़ों को लिस्ट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको देख के आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक, जिसमें आप लोग कुछ कुछ तो याद भी रखे होंगे जो हम लोग RCC वगैरह में पढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो SP 24, यहाँ पे IS 15388, SP 34 हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है SP 34। इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया मेंशन हैं जो कि हम लोग RCC में भी यूज़ करते हैं, राइट। इस तरीके से गाइज ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन थे। इस वीडियो का मकसद बस केवल और केवल इतना है कि आप तक ये चीज़, ये PDF जो है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पहुँच जाए और सारे के सारे बच्चे उनको रिवाइज़ कर लें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन, चाहे SSC जेई हों, RRB जेई हों या फिर कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, IS कोड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। IS कोड के नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो क्यों ना हम उस एक नंबर भी जो हमसे चला जाता था उसको भी हम हासिल करें। और इसलिए ये PDF आपको मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। अडा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, कम्युनिटी ऑप्शन पे जाना है, उसमें सिविल बाई रजत सर करके एक ग्रुप आपको दिखाई देगा, सिविल बाई रजत सर ग्रुप में, उसमें आपको ये PDF मैं अटैच कर दूंगा और उसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे, अगेन मैं बोलूँगा, जो बच्चे क्लासेज में अभी तक इनरोल्ड नहीं है, जिनको पढ़नी है, क्लासेज करनी है, उनके लिए क्लासेज अवेलेबल हैं, वो महापैक में खुद को एनरोल कर सकते हैं। लोवेस्ट प्राइस में एनरोल करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड भी दिख रहा है, वाई
293 स्कोर का यूज़ करेंगे तो लोवेस्ट प्राइस में आपको बैचेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।